चौथे टी20 महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से कुचलकर सीरीज अपने नाम करने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 3 से 4 बड़े बदलाव के साथ ऐलान करी है खूंखार प्लेइंग 11। जी हां दोस्तों, फाइनली चौथा टी20 महामुकाबला खेलने के लिए स्क्वाड में सुरेश अय्यर और दीपक चहर का वापसी हो चुका है। तो ऐसे में चौथा टी20 महामुकाबले में 4 बड़े प्लेयर को मौका दिया गया, तो यहीं पर कई जूनियर प्लेयर को कर दी गई है परमानेंट छुट्टी। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 महामुकाबले में भारत के कौन कौन से 11 धाकड़ खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला है, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्लेइंग 11 बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार और हमारे चैनल क्रिकेट गैलेक्सी में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि चौथा टी20 महामुकाबला कब, कहां और कितना बजे खेला जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं दोनों ही टीमों की कन्फर्म प्लेइंग 11, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौथे टी20 महामुकाबले के लिए खूंखार प्लेइंग 11 बनाकर ऑस्ट्रेलिया टीम को कर दिया चैलेंज। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको चौथा टी20 महामुकाबले का पूरा अपडेट बता देता हूं। तो ऐसे में चौथा टी20 महामुकाबला 1 दिसंबर को शाम 7 बजे रायपुर में खेलता हुआ देखने को मिलेगा। और आप यदि मोबाइल पर लाइव स्ट्रीम का लुत्फ उठाना चाहते हो तो मोबाइल पर आपको जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि चौथा टी20 महामुकाबला कब, कहां और कितना बजे खेला जाएगा। बाकी चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की कन्फर्म प्लेइंग 11 को लेकर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं करे हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर दो। तो चलिए दोस्तों, चौथे टी20 महामुकाबले के लिए टीम इंडिया का फाइनल प्लेइंग 11 बताने से पहले मैं आपको ऑस्ट्रेलिया टीम का कंफर्म प्लेइंग 11 बता देता हूं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का आगाज करते हुए नजर आने वाले हैं मैथ्यू शॉट के साथ ट्रेविस हेड। और देखा जाए तो दोनों ही काफी आक्रामक लय में बल्लेबाजी करते हैं। नंबर 3 पर खेलते हुए देखने को मिलेंगे विस्फोटक बल्लेबाज जोस इंग्लिश, जबकि नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं बैटिंग ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल। ऐसे ही नंबर 5 पर खेलते हुए देखने को मिलेंगे बैटिंग ऑलराउंडर मार्कस स्टोनिस, जबकि नंबर 6 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाज टीम डेविड। नंबर 7 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं कप्तान मैथ्यू वेड, जबकि नंबर 8 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं बॉलिंग ऑलराउंडर सीन अबॉट। नंबर 9 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं नेथन इरिस, जबकि नंबर 10 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं जेसन बेरेंडॉफ। और फाइनली नंबर 11 पर खेलने वाले हैं स्पिन गेंदबाज एडम जेम्पा। तो दोस्तों, ये रहा ऑस्ट्रेलिया टीम का कंफर्म प्लेइंग 11। बाकी चलिए मैं आपको बता देता हूँ टीम इंडिया का फाइनल प्लेइंग 11। तो ऐसे में टीम इंडिया की तरफ से पारी का आगाज करते हुए नजर आने वाले हैं नंबर 1 पर ऋतुराज गायकवाड़। और ऋतुराज गायकवाड़ इतना टाइम काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि पहले टी20 महामुकाबले में 0 में आउट हो गए थे, लेकिन दोस्तों दूसरे टी20 महामुकाबले में हाफ सेंचुरी लगाए थे, जबकि तीसरा टी20 महामुकाबले में शतक लगा चुके हैं। तो ऐसे में 100% कन्फर्म है कि नंबर 1 पर आपको ऋतुराज गायकवाड़ ही खेलता हुआ देखने को मिलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि चौथे टी20 महामुकाबले में भी ऋतुराज गायकवाड़ आक्रामक लय में बल्लेबाजी करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ पारी का आगाज करते हुए नजर आने वाले हैं नंबर 2 पर SSP जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, SSP जायसवाल भी काफी आक्रामक लय में बल्लेबाजी करते हैं। पहले टी20 मैच में 21 रन बनाए थे, जबकि दूसरा टी20 महामुकाबले में हाफ सेंचुरी लगाए थे। लेकिन दोस्तों, SSP जायसवाल के बल्ले से तीसरा टी20 महामुकाबले में काफी निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला था। फिर भी दोस्तों, आपको चौथे टी20 महामुकाबले में SSP जायसवाल खेलते हुए देखने को मिलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि SSP जायसवाल चौथे टी20 महामुकाबले में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए शानदार लय में शुरुआत करेंगे। ऐसे ही नंबर 3 पर खेलते हुए देखने को मिलेंगे विकेट कीपर बैट्समैन ईशान किशन। जी हां दोस्तों, पहले और दूसरे टी20 महामुकाबले में ईशान किशन हाफ सेंचुरी लगाए थे, लेकिन दोस्तों तीसरे टी20 महामुकाबले में ईशान किशन डक आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। फिर भी दोस्तों, देखा जाए तो ईशान किशन काफी आक्रामक लय में बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ शुरुआत करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि चौथे टी20 महामुकाबले में ईशान किशन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए हाफ सेंचुरी से भी ज्यादा रन बनाएंगे। नंबर 4 पर खेलते हुए देखने को मिलेंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव भी काफी आक्रामक लय में बल्लेबाजी करते हुए 360 शॉट लगाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में तो सूर्य कुमार यादव काफी आक्रामक लय में बल्लेबाजी करते हुए भी दिखे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले टी20 महामुकाबले में 80 रन बनाए थे, दूसरे टी20 महामुकाबले में 19 रन और तीसरे टी20 महामुकाबले में 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेले थे। लेकिन दोस्तों, अब ऐसे में सूर्य कुमार यादव से उम्मीद है कि चौथे टी20 महामुकाबले में सेंचुरी पारी खेलेंगे। नंबर 5 पर आपको एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चौथा टी20 महामुकाबला खेलने के लिए सुरेश अय्यर स्क्वाड में आ चुके हैं और प्रैक्टिस करते हुए देखने को मिले हैं। तो ये बात 100% कन्फर्म है कि चौथे टी20 महामुकाबले में आपको सुरेश अय्यर खेलते हुए
हुए देखने को मिलेंगे। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि T20 फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। नंबर 6 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं हार्ड हिटर बैट्समैन रिंकू सिंह। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह पहले T20 महामुकाबले में 22 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेले थे, तो वही दूसरे T20 महामुकाबले में 9 गेंदों में 31 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेले थे। लेकिन दोस्तों तीसरा T20 महामुकाबले में रिंकू सिंह को बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों उम्मीद करते हैं कि चौथे T20 महामुकाबले में रिंकू सिंह ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए फिनिशर का भूमिका निभाएंगे। नंबर 7 पर आपको एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार नंबर 7 पर खेलते हुए देखने को मिलेंगे बॉलिंग ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। शुरुआती 3 मैचों में वाशिंगटन सुंदर को मौका नहीं मिला, लेकिन दोस्तों चौथे T20 महामुकाबले में वाशिंगटन सुंदर आपको खेलते हुए देखने को मिलेंगे। और देखा जाए तो वाशिंगटन सुंदर काफी शानदार लय में स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी भी करते हैं। लेकिन दोस्तों अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़ी टीम के खिलाफ वाशिंगटन सुंदर किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही नंबर 8 पर खेलते हुए देखने को मिलेंगे स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई। जी हाँ दोस्तों, रवि बिश्नोई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी शानदार लय में गेंदबाजी करते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि पहले T20 महामुकाबले में रवि बिश्नोई को सिर्फ 1 ही विकेट मिला था, लेकिन दोस्तों दूसरे T20 महामुकाबले में 3 विकेट और तीसरे T20 महामुकाबले में 2 विकेट मिला था। तो वैसे में टीम इंडिया को सीरीज जिताने के लिए रवि बिश्नोई को अपना फिरकी के जाल में ऑस्ट्रेलिया टीम को बजाना होगा। और उम्मीद भी करते हैं कि चौथे T20 महामुकाबले में रवि बिश्नोई काफी शानदार लय में गेंदबाजी करते हुए देखने को मिलेंगे। नंबर 9 पर खेलते हुए देखने को मिलेंगे आर्कर किंग अर्शदीप सिंह। जी हाँ दोस्तों, अर्शदीप सिंह भी काफी शानदार लय में डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। गेंदबाजी से कम इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों विकेट नहीं चटका पा रहे हैं, क्योंकि पहले T20 महामुकाबले में इनको 1 भी विकेट नहीं मिला था। बाकी 2 T20 महामुकाबले में सिर्फ 1-1 ही विकेट चटकाए थे। लेकिन दोस्तों उम्मीद करते हैं कि चौथे T20 महामुकाबले में अर्शदीप सिंह काफी शानदार लय में गेंदबाजी करते हुए विकेट भी चटकाते हुए देखने को मिलेंगे। नंबर 10 पर आपको एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली स्क्वाड में दीपक चहर का एंट्री हो चुका है और नंबर 10 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं दीपक चहर। और ओवरऑल देखा जाए तो दीपक चहर खास करके पावर प्ले में काफी शानदार लय में स्विंग कराने के साथ साथ विकेट चटकाते हैं। लेकिन दोस्तों अब ऐसे में देखने लायक होगा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ दीपक चहर किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। और फाइनली नंबर 11 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं आवेश खान। जी हाँ दोस्तों, आवेश खान को पहले और दूसरे T20 महामुकाबले में प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों तीसरा T20 महामुकाबले के प्लेइंग 11 में आवेश खान को मौका मिला, लेकिन उतना खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। फिर भी दोस्तों चौथे T20 महामुकाबले में आपको आवेश खान ही खेलते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये रहा चौथे T20 महामुकाबले के लिए टीम इंडिया का फाइनल प्लेइंग 11। तो ये प्लेइंग 11 आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं गेम की प्रेडिक्शन को लेकर। तो देखो यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया चौथा T20 महामुकाबला जीतकर सीरीज को अपने नाम कर लेगी। आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम जीतने वाली है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।